हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंचाइजी क्लास। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो देखकर आप अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और इस बिजनेस को शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी की एक ऐसे ब्रांड के बारे में जानकारी देंगे जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आज कौन नहीं जानता। कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड के मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन है। कल्याण ज्वेलर्स की शुरुआत 1993 में TS कल्याणा रमन ने की थी। इनका हेडक्वार्टर केरला में है। आज कल्याण ज्वेलर्स के इंडिया और मिडल ईस्ट में 190+ आउटलेट्स हैं, जिसमें कुछ कंपनी के खुद के और कुछ फ्रेंचाइजी हैं। कल्याण ज्वेलर्स के प्रोडक्ट रेंज के बारे में देखें तो इनकी ज्वेलरी आइटम्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें वेडिंग ज्वेलरी, हैंडक्राफ्टेड एंटीक ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी, हेरिटेज ज्वेलरी, डेली वेयर ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अगर आप भी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो आज हम आपको कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसे आप कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम ओपन कर सकते हैं, कैसे इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना एरिया स्पेस या लैंड रिक्वायरमेंट, और इस फ्रेंचाइजी के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फिर अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी देखेंगे, और लास्ट में कंपनी के हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एरिया स्पेस या लैंड रिक्वायरमेंट के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम ओपन करने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम ओपन करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड एरिया स्पेस अराउंड 1500 स्क्वायर फीट टू 2000 स्क्वायर फीट, लगभग 1500 से 2000 वर्ग फुट ज़मीन की ज़रूरत होगी, और इसका फ्रंटेज एरिया मिनिमम 30 फीट का होना चाहिए। दोस्तों, इतनी एरिया स्पेस में सबसे पहले तो ज्वेलरी डिस्प्ले एरिया, स्टोरेज एरिया स्पेस, कैश काउंटर, कस्टमर लॉन्च, एंट्रेंस स्पेस, ऑफिस स्पेस एक्सेट्रा, और साथ में ये एरिया लोकेशन हाई फुटफॉल मार्केट, शॉपिंग सेंटर, प्राइम कमर्शियल एरिया, अर्बन सेंटर, या फिर जहां पर कोई नेशनल बैंक या नेशनल कंपनीज या कोई ब्रांडेड शोरूम हो, ये एरिया लोकेशन बेस्ट होगी। तो दोस्तों, इतनी एरिया स्पेस में आप कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एरिया स्पेस के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में, कितनी लागत की ज़रूरत होगी। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम ओपन करने के लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इंडिया में अगर आप कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी लेकर कंपनी के साथ जुड़कर अगर आप इनका शोरूम ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अराउंड 5 करोड़ रुपीज़, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट में क्या कुछ इंक्लूडिंग है। इसमें सबसे पहले है फ्रेंचाइजी फीस, जो कि अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज़, और स्टोर एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो कि अराउंड 30 लाख रुपीज़, लगभग 30 लाख रुपए है। इसके बाद इन्वेंट्री, जो कि मेन स्टॉक का कॉस्ट होगा, कम से कम 3 से 5 करोड़ रुपए, और कुछ वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत होगी, और कुछ एक्सपेंसिव भी इसमें हो सकते हैं। और दोस्तों, 5 से 10 एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होगी, जो कि आपके शोरूम को रन एंड ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों, ये था इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दी फ्रेंचाइजी। कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर सबसे नीचे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन शो होगा। इसमें आपको कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी शो होगी, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इस नंबर पर कॉल करके या फिर इनकी ईमेल आईडी पर मेल करके फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम ओपन करने के बाद आप इसमें कितनी कमाई कर सकते हैं, या फिर कंपनी आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 12% to 15% है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% to 7%।
दोस्तों इतने बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब लास्ट में देखते हैं हेल्प एंड सपोर्ट बाय कंपनी। फ्रेंचाइजी लेने के बाद कंपनी की ओर से क्या हेल्प एंड सर्विस मिलेगी? दोस्तों सबसे पहले तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का बिगेस्ट एंड फेमस ज्वेलरी ब्रांड है। इनका ह्यूज एंड लॉयल कस्टमर बेस है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रेंज है। कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी की पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करती है, इनकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करती है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे, अच्छी सेल हो, फ्रेंचाइजी को ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ज्वेलरी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी लेकर एक नया और अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी कल्याण ज्वेलर्स फ्रेंचाइजी। उम्मीद करता हूँ कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारे स्टेप्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना कुछ ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।